देखो, लास्ट टाइम हमने एक पावर रूल किया डिफरेंसिएशन में. पावर रूल के साथ हमने ये भी किया कि जैसे डिफरेंसिएशन ऑफ 5 बाय x² +7x - 3, अगर ये करना हो तो d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d/dx ऑफ सेकेंड टर्म माइनस d/dx ऑफ थर्ड टर्म. तो 5 कांस्टेंट है. d/dx ऑफ x^-2, 7 कांस्टेंट है. dx/dx कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, इसको तो छोड़ ही दो. तो ये टर्म क्या है? 1. तो 5 × −2 × x^-3 +7. तो ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम की थी, ठीक है? तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की, आज क्वेश्चन दूंगा, वो आपने प्रैक्टिस भी करने हैं. अभी जो हमने काम करना है वो नेक्स्ट फॉर्मूले पे करना है. आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, आप लिख सकते हैं d/dx ऑफ u × v. d/dx ऑफ u × v. देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम एक फॉर्मूला करवाया था, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको. d/dx ऑफ u+v को आप ऐसा लिख सकते हैं, d/dx ऑफ u+d/dx ऑफ v अलाउड है. d/dx मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस केस में d/dx ऑफ u लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज. d/dx ऑफ v अलाउड नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? यहां तक तो प्लस माइनस में अलाउड है, मल्टीप्लीकेशन में अलाउड नहीं है. तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखे. फॉर्मूला है d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. अगर दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो आप ऐसा करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इनटू d/dx ऑफ सेकेंड टर्म करेंगे प्लस सेकेंड टर्म इनटू d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म करेंगे. तो क्या स्टेप क्लियर है? ये फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म. फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन है d/dx ऑफ x² × x. मान लो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. देखो, एक मेथड नंबर वन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मेथड नंबर वन आप इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. x² × x क्या है, x³, तो आंसर क्या आएगा, 3x² × dx/dx तो बन है, सही है? बट मैं ये चाहता हूं कि आप इन्हें मल्टीप्लाई किए बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों. d/dx ऑफ सेम क्वेश्चन है x² × x, ये मेथड नंबर वन एब्सोल्यूटली करेक्ट है, आप ऐसा कर सकते हैं. लेकिन अगर मुझे इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, तो मैं फर्स्ट टर्म को मन में क्या मानूंगा, u, और ये टर्म को क्या मानूंगा, v. लिख लिया. अब फर्स्ट टर्म u एज इट इज इनटू d/dx ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म. ये लो, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा x² × 1 प्लस यहां पे क्या आएगा, 2x. इसके डिफरेंशिएशन क्या है, 2x. तो यहां से सिंप्लीफाई करें, ये क्या बनेगा, 2x² 2x² प्लस x² कितना, 3x² आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं. तो आप कहोगे फिर तो हम फर्स्ट मेथड लगाएंगे, सेकंड क्यों लगाएंगे. मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको आज दूंगा, आप उसमें फर्स्ट मेथड लगा ही नहीं पाएंगे, तो आपको सेकंड ही लगाना पड़ेगा. तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लें, इन एग्जांपल्स को एक बार लिख लें, फिर इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं. इसे नोट करें प्लीज.
मेथड नंबर टू के अंदर ये रूल लगाना आ रहा है सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन अब आप करना, हाँ अगर आप पूछें कि सर आप कौन सा या मैं कौन सा अप्लाई करूं अगर पेपर में आ जाए या कहीं करना हो, आप मेथड नंबर वन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां आपका मेथड वन चलता है मेथड वन करो, लेकिन जहां फंस जाएं और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही फिर मेथड नंबर टू करें। लगा के देखें प्लीज, क्वेश्चन में लगाएं। एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3, ये क्वेश्चन है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3, और प्लीज इसे यू इंटू वी के मेथड से करें। मुझे मालूम है इसका आंसर बड़ा ईजी है, मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 7, आंसर 7 इंटू एक्स की पावर 6 ही आएगा, लेकिन आप इसे u और v से करें। इसको माने u और इसको माने v, अब करें u एंड v। तो फॉर्मूला नोटेड है सबके पास, करना है। इसमें u इंटू वी में ये देखो क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पहले u x की पावर 4 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म एक्स की पावर 3, फिर सेकेंड टर्म एक्स की पावर 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, राइट। कई बार क्या होता है फ्लो में सॉल्व करते करते बंदे को पता ही नहीं लगता, ऐसा बहुत होता है। जब नेक्स्ट स्टेप लिखो ना, स्टूडेंट को इतनी डिफ्रेंसिएशन का वो बुखार सा चढ़ जाता है, वो कहता है अगला स्टेप 4 इंटू एक्स की पावर 3, भाई आगे डी बाई डी एक्स लगा कहाँ है, किसकी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, एलजेब्रा मत भूल जाना। जिसके आगे डी बाई डी एक्स है उसी में पावर रूल लगाना, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख देना, खत्म। अब ये देखो इसका आंसर क्या होगा, 3x2। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके आगे 4x3। तो यहाँ पे 3x6 प्लस 4x6 7x6 आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या करना है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये मेथड भी क्लियर है। तो अब हमने क्या कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी या यू माइनस वी, यू इंटू वी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो करने जा रहे हैं यू अपॉन वी, डिवीजन का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लिखें और फिर इसको अप्लाई करके देखते हैं, राइट। तो इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन है यू डिवाइडेड बाई वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइडेड बाई वी, दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है। फॉर्मूला है स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है इसमें वी, वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखें, ये मैथ्स का फॉर्मूला है। तो लिखें वी यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, डोंट स्टार्ट विद न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर वी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बहुत लोग न्यूमेरिकल करते करते हुए डिनोमिनेटर का स्क्वायर भूल जाते हैं, फ्लो में सीधा न्यूमिनेटर लिख देते हैं, नहीं करना, ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल मेथड नंबर वन, मान लो क्वेश्चन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स निकाल लो। तो मेथड वन तो बहुत सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ, आप यहां पे इसे एक्स को एक्स से काट लें तो क्या बचेगा एक्स, आंसर क्या आएगा वन, सही है, बिल्कुल सही है। बट मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें,
अब u बाई वी के फॉर्मूले से करें तो आप क्या करेंगे, मेथड नंबर टू, मेथड टू में d बाई डी एक्स ऑफ, जरा ट्राई करें, एक्स स्क्वायर बाई एक्स में न्यूमिनेटर को क्या माने u, डिनोमिनेटर को क्या माने v, क्या स्टेप क्लियर है, u अपॉन v क्लियर है, ठीक। अब स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है x, इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, क्या स्टेप क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा ऐसे कर लें, ये u है ये v है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर लें, v की जगह v, u की जगह u, आंसर। तो अगला स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में x इंटू एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2x रेज टू पावर 1, एक्स स्क्वायर इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, आंसर इज 1। इसका मतलब जो फॉर्मूला किया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। ठीक है, तो आप करेंगे ट्राई, एक बार ये क्वेश्चन दूं तो आप अपने क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, प्रॉब्लम को एक बार ट्राई करें। एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, अब सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो यू अपॉन वी लगाना पड़ेगा, तो लगाओ फिर यू अपॉन वी, तो इसके अंदर इसको माने यू और इसको माने वी, यू एंड वी, u upon v, नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो रहेगा ना, फिर भी वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, वो रह गया होगा, तो इसमें एक बार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले v डिनोमिनेटर x माइनस वन इन टू
डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? स्टार्ट विद डिनोमिनेटर एक्स माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है. एक्स माइनस वन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर. अच्छा नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या होगा. डी एक्स बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करूंगा मैं? वन. इसकी जगह जीरो. इसकी जगह वन. इसकी जगह जीरो. तो सिंप्लीफाई करेंगे एक्स माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर. ऐसे ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना. तो न्यूमिनेटर में कितना आ रहा है? ये तो कट रहा है एक्स और एक्स, तो इसमें जीरो आ रहा है. जो सिंप्लीफाई करके जो आया आंसर है. बट मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें करना है आपको. तो इसके अंदर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है और ये वैल्यू आएगी. तो इसे ओपन करेंगे. ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ये x आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये x आ रहा है, ये 1 आ रहा है. ऐसे x माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है ऐसे. ठीक है, तो x से x क्या हो गया? कैंसल. तो माइनस टू अपॉन जो भी आएगा वो आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके. करो फिर से एक बार. क्वेश्चन है d by dx of, एक बार ट्राई करो, x square plus 1 divided by x square minus 1. रिवर समझ में आ रहा है? यस. ठीक है,
चेक करता हूँ। तो इसमें एक स्टेप चेक करना प्लीज। इसके अंदर आपने ऐसे करना है, इसको क्या मानना है यू, इसको क्या मानना है वी। तो स्टार्ट विद डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब ये पुराना क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें हम अपने स्टेप्स वैसे यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू इसकी जगह क्या आएगा 2x, इसकी जगह क्या आएगा 0, इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी जगह 2x, इसकी जगह 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसे न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरफ से ओके, आपको ये स्टेप समझ में आ रहे हैं सफिशिएंट है। कोई डाउट इसमें? तो यू अपॉन वी लगाना आ रहा है, ठीक है, ठीक है। सही, तो इस क्वेश्चन को एक बार करके देखें और मुझे बताएं कि क्या स्टेप्स कैसे होंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स, ट्राई करें। नहीं जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चेक कर लो, इसके अंदर इसको आपने u मानना है और डिनोमिनेटर को आपने v मानना है, u एंड v। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, ये स्टेप सबने किया। नेक्स्ट है वन प्लस रूट एक्स
इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब हाफ है, माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर 1 प्लस रूट एक्स इंटू हाफ इंटू एक्स की वैल्यू माइनस हाफ, राइट, ये टर्म आएगी, माइनस रूट एक्स इंटू 0 प्लस हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? सफिशियंट है यहां तक? देखो मेरा काम है डी बाय डी एक्स हटाना, सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं चाहिए क्योंकि एज सच कोई पेपर पे आना है नहीं है, बस मेरे को ये बताना है कि यू बाई वी का फॉर्मूला कैसे लगेगा और डी बाई डी एक्स कैसे हटेगा, इतना ही चाहिए। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। तो एक हो गया यू इंटू वी, एक हो गया यू डिवाइडेड बाई वी। नेक्स्ट फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड फॉर्मूलाज हैं, जिनमें आज हम एक फॉर्मूला करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एक्स। देखो ये हो क्या रहा है, ये क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखना, साइन के आगे जो भी टर्म है वो एक एंगल है। अब नॉर्मली अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे पूछूं, नॉर्मली एंगल्स ना गिवन होते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, मैं बोलता हूं साइन 30 डिग्री, अगर मैं बोलता हूं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की फिक्स्ड वैल्यू है हाफ, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होनी चाहिए? जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना, और कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन इज जीरो। सही है यहां तक? लेकिन ये एक्स एक वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो साइन एक्स इज अ वेरिएबल, तो इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आएगी क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। तो क्या आएगी? मैथ्स का फॉर्मूला है साइन ऑफ जो भी एंगल है इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ऑफ सेम एंगल, एंगल विल रिमेन सेम, साइन ऑफ एंगल कॉस ऑफ एंगल, एंगल उठा के कॉस को दे देना है, हो गया यहां तक, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ, वो एंगल यहां भी आएगा, एंगल तीन दो जगह आएगा, जो एंगल यहां पे है वो यहां भी आएगा और वो यहां भी आएगा, और dx बाय dx क्या होता है? 1। वो अलग बात है कि लिखो ना लिखो 1 होता है, पर लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम्पल ऐसा आया d बाय dx ऑफ साइन ऑफ 2x आ गया, तो एंगल क्या है यहां पर? 2x, तो यहां पर क्या आएगा? cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x इनटू d बाय dx ऑफ 2x, ये आएगा, क्योंकि एंगल एंगल एंगल, अब इस बार dx बाय dx 1 नहीं हुआ, तो इसमें क्या आएगा? cos ऑफ 2x इनटू 2 कांस्टेंट है dx बाय dx व्हिच विल बी इक्वल टू 1, तो आंसर इज 2 इनटू cos ऑफ 2x इज द आंसर। इसको मल्टीप्लाई मत करना 4x, गलत है, एंगल ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है, आंसर लिख दो। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1, ये क्या होगा? तो देखो क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा एंगल है, तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। क्या स्टेप क्लियर है? ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, सेम है, ठीक हो गया यहां तक। इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ऐसे। तो यहां पर क्या आएगा, कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इंटू, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2 डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस 0, तो आंसर इज 2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इज द आंसर। डन। तो मेथड क्लियर है यहां तक कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें? इसको इससे नहीं हो सकता ना, ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस ऑफ एंगल तो एक टर्म है, टू अलग चीज़ है, तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते ना एंगल के साथ, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ऑफ कॉस एक्स इज, आंसर इज माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स फॉर्मूला इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, ये लो ये फॉर्मूला है। तो इसमें ये जो एंगल है वो एंगल यहां भी आएगा और वो एंगल यहां भी आएगा, तीन जगह आएगा, एंगल एंगल एंगल। फॉर्मूला नोट कर लो पहले, हाँ, बस साइन का कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, बस याद ही करना है फॉर्मूला, ठीक। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो क्या आ जाए, कॉस ऑफ 2x, तो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो यहां से माइनस साइन ऑफ 2x इंटू, इसकी जगह 2 डी एक्स बाई डी एक्स 1 है, तो माइनस 2 साइन ऑफ 2x इज द आंसर, ठीक है। सेम रूल है, जो रूल साइन के लिए वही रूल कॉस के लिए। ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो करें क्वेश्चन इसके ऊपर, लो फिर करो। तो क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, क्या लगेगा, यू वी, ऊपर वाला यू, नीचे वाला वी, यू पॉन वी लगाओ,
ट्राई। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें न्यूमिनेटर को क्या मानेंगे u, इसको क्या मानेंगे v। तो स्टार्ट करते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इनटू d बाय डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू d बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये रहा डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसे। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट है, इसमें वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या करवाई, कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एक्स तो वन है, छोड़ देते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, जीरो, कांस्टेंट की जीरो, प्लस कॉस एक्स की क्या होगी, माइनस साइन एक्स, ऐसे डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बनेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, रादर इसकी जगह तो आप क्या पुट कर सकते हो, वन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, ऊपर से डी बाई डी एक्स ऑफ वन इज जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, फॉर्मुला यूज किए, बाकी आपकी सिंप्लीफिकेशन है। हाँ बोलो बोलो, कहाँ पे ये वाला साइन एक्स की फॉर्मूला क्या करवाया था अभी, कॉस एक्स सीज ऑफ कॉस एक्स रिप्लेस कर दिया, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स फॉर्मूला क्या था, कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला यूज किया मैंने इसमें। तो स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, फिर से करो एक बार ट्राई, नया क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। Excuse me, sir. क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन को करें, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, अब एंगल क्या है यहां पर, रूट एक्स,
साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स. क्या ये स्टेप क्लियर है? साइन रूट एक्स इज कॉस रूट एक्स इनटू इनटू, अभी रुकना नहीं है, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स. क्या ये स्टेप क्लियर है? क्योंकि जो एंगल यहां पे है वो एंगल यहां पे है, वो एंगल यहां पे, ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर कॉस ऑफ रूट एक्स इनटू, अब ये देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2. ऐसे हमने किया था, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन लास्ट टाइम की थी. तो क्या आएगा इसमें? कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस वन, कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ इज द आंसर. डन. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? देखो बेसिक स्टेप्स हैं, बार 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 वही स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे, तो जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, मेरे को स्टेप्स चेक करवाना, ठीक है? जो भी आपका आंसर होगा मैं अभी आके चेक कर रहा हूँ. तो क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्वेश्चन है डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स. देखो थोड़ा एक लेवल ऊपर की है, जस्ट एक बार ट्राई मारते हैं. आते नहीं फिजिक्स में, ऐसा कुछ आएगा नहीं, डोंट वरी. फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखें रूल की क्लैरिटी कितनी है. दिखाओ, पर वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो ऐसे सोच रहे हैं साइन का कॉस ही तो करना होता है, साइन जहां मर्जी छुपा हो उसको कॉस कर दो, ये थोड़ा कहा मैंने. डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? बोलो बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? रूट. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन नहीं है पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट है. तो पहले रूट का सोल्यूशन निकलेगा, साइन का नहीं, साइन तो बाद में एंटर होगा. तो सबसे पहले हाफ लगा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स होल रेज टू पावर हाफ. यहां से स्टार्टिंग है, नहीं कट कर सकते. ये कैसा मैथ्स हुआ? ये कट हो सकता कभी? रूट रूट कैंसिल पर रूट रूट दिख जाए तो कैंसिल हो गया. ऐसा थोड़ी ना होगा यार, नहीं कट सकते यार. स्क्वायर भी होता तब भी मान लेता. ठीक. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? पहला स्टेप क्लियर है. देखो पावर रूल कहता है किसकी पावर हाफ है, इस पूरे की पावर हाफ है, अंदर जो मर्जी हो यार पावर तो हाफ है. पहला काम तो पावर पे होगा, तो बोलो पावर क्या है? हाफ. तो लिखो हाफ किसकी पावर हाफ है? साइन ऑफ रूट एक्स की. जिसकी भी पावर हाफ है उसकी पावर वन सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि पहला काम तो पावर से होने वाला है, अंदर तो बाद में जाएंगे, पहले पावर रूल लगा दें. हाफ इंटू इस पूरी टर्म की पावर हाफ माइनस वन इंटू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ. अगर मैं हाफ पे हाथ रख लूं क्या दिखा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स. ये भी तो लिखोगे, भूल गए?
अदरवाइज जब हाफ पे हाथ रखते थे dx by dx 1 बचता था, इधर 1 बचा ही नहीं, हाफ पे हाथ रखा क्या बचा, d by dx of sin of root x, d by dx of sin of root x. क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो पहले हाफ, इस पूरे की पावर हाफ माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स. कोई डाउट इसमें? ये तो अभी आपने किया था सॉल्व, इसमें तो वही सॉल्यूशन कॉपी हो जाएगा, बाकी एज इट इज. कैसे? वन बाई टू साइन ऑफ रूट एक्स होल रेस टू पावर माइनस हाफ इंटू साइन ऑफ, देखो अब सही है, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ सेम एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल. क्या ये स्टेप क्लियर है? देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कोई एंगल है, तो फॉर्मूला क्या है, साइन का कॉस ऑफ एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल क्या है, रूट एक्स. तो यहां से ये टर्म तो एज इट इज हाफ साइन ऑफ रूट एक्स होल रेस टू पावर माइनस हाफ इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू अंडर रूट, बोलो क्या है इसकी डिफ्रेंसिएशन, हाफ एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ. ऐसे डिफ्रेंसिएशन बहुत की हमने, एक्स की पावर हाफ, हाफ का मतलब हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ इज द आंसर. ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है फिजिक्स में, ऐसे मन से बनाया जस्ट टू पावर रूल दिखाने के लिए, बट पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें. कौन सा स्टेप? फिर से, इस पूरे का अंडर रूट हाफ है, मींस रूट, रूट का मतलब हाफ है. पावर रूल क्या कहता है, पहले पावर हटाओ, हाफ इंटू इस पूरे की पावर हाफ माइनस वन लगाओ, पावर पे हाथ रखा तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स लगाओ. वो कैसे? क्योंकि जब मैं बोलता था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स सॉल्व करो, तो आप क्या बोलते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ, आप बोलते थे हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, हाफ पे हाथ रखो तो क्या बचता है, डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन. अब इसमें वन नहीं बच रहा भाई, इसमें ये बच रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें ये पूरे का पूरा बच रहा है, जब हाफ पे हाथ रखा तो ये पूरे का पूरा बच गया, यहाँ लगा दिया. अब इसको कैसे किया, इसका अलग क्वेश्चन बन गया. तो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम में, डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम में फिर डिफरेंशिएशन, इसको चेन रूल बोलते हैं, चेन बन गई. तो यहां पर साइन ऑफ रूट एक्स इज कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आंसर. पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, फिर कह रहा हूं ऐसे ही बस साइन कर रहे तो ऐसे साइन का क्वेश्चन दे दिया. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ और मैं स्टेप्स चेक करके दिखाना, अगर आपने वो कर दिया तो मैं मान लूंगा कि आपको पावर रूल लगाना आ गया. ठीक है, लो लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन
ठीक भी ऐसी बात नहीं है, पर कई स्टेप भूल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, पहले ना एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, आप नहीं, जब से पढ़ा रहा हूँ तब से ये प्रॉब्लम आ ही रही है, वो क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन को कई लोग लिखते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन, या ये एक्स प्लस वन। मैथ के टीचर को मैं बता देना नाराज हो जाएगा, गलत है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब इस एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर अंडर रूट है, अंडर रूट को ऐसे बांट नहीं सकते आप, राइट, क्लियर है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ऐसे करें, ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू पावर हाफ लिखे, पहले लिख लिया। देखो डी बाई डी एक्स कई लोग कर रहे थे, डी बाई डी एक्स को इसके अंदर एंटर करवा रहे हैं, हाफ एंटर करवा नहीं देगा, क्योंकि होल पावर क्या है, हाफ, तो पहले पावर है, पावर रूल लगेगा, पावर रूल क्या है, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू पावर हाफ माइनस वन, है ऐसे ही है ना, पावर नीचे, इस पूरे की पावर हाफ माइनस वन इन टू। अगर मैं हाफ पे हाथ रख लूं, क्या दिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस बार डी एक्स बाई डी एक्स वन नहीं दिख रहा, हाफ पे हाथ रखा तो क्या लगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू पावर माइनस हाफ इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। तो ऑब्वियसली ये टर्म क्या है, जीरो, ये टर्म क्या आएगी, टू एक्स, तो आंसर हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू पावर माइनस हाफ इन टू टू एक्स, टू से टू कैंसल, आंसर आंसर। पॉइंट समझ में आया कि पावर रूल्स कैसे लगते हैं इसमें, हालांकि सच बताऊं तो इतनी जरूरत फिजिक्स में चाहिए भी नहीं, ये तो हम पावर रूल कर रहे हैं तो मैंने और क्वेश्चन बना दिए। फिजिक्स में कितना पावर रूल चाहिए मानते हो, एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन, बस इतनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इतना टेंस ना हो, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, वार्म अप एक्सरसाइज है फिजिक्स से पहले, आपका फ्लो, आपके स्टेप्स, आपका मैथ्स एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो ये एक हफ्ते का प्रोसेस है जिसमें मैथमेटिक्स जो यूज होना है उस पर हम हाथ बिठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है यहाँ तक। ये स्टेप क्लियर है, नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स। देखो लॉग का जो कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स वालों का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के टीचर बहुत डिटेल में लॉग की प्रॉपर्टीज और लॉग को बहुत डिटेल में करवाएंगे, पर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, मेरे लिए तो कैलकुलस भी मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए तो कैलकुलस भी मैथ्स का ही पार्ट है, ये मैथ्स करवाना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो ये फिजिक्स वालों का पार्ट नहीं है, पर क्योंकि फिजिक्स चल नहीं पाएगी तो मुझे करवाना पड़ रहा है। अदरवाइज सेम लॉग के साथ भी सेम सिचुएशन है, लॉग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, पर क्योंकि हमारे यहाँ लॉग साल या दो साल में कभी कभी यूज़ हो जाता है, बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत ऐसा नहीं है, मतलब कम फ्रीक्वेंट है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब रोज़ यू लॉग यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत कम यूज़ होगा, बट जिस दिन भी यूज़ होगा आपको अजीब लगेगा यार लॉग कहाँ से आ गया। तो मैं थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ, बाकी आपको मैथ्स वाले करवाएंगे, मेडिकल को जरूरत नहीं है, कोई टेंशन, नीट में लॉग लू के कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक, जितने आएंगे इन प्रॉपर्टीज से सॉल्व हो जाएंगे। रूल नंबर वन, लॉग बनाया क्यों और लॉग की ज़रूरत क्या है, ठीक है, ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, तो इसका जो साइंटिफिक रीज़न है, लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स या लॉग एक ही बात है। तो अगर हम एग्जांपल लें, प्रैक्टिकल लाइफ में लॉग कहाँ लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में लॉग के लिए मान लो अर्थक्वेक आता है कहीं पर भी, हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक का स्केल क्या है, आप बोलते हैं सात स्केल का अर्थक्वेक आया, आठ का आया, बहुत ज़्यादा तबाही मच गई, चार का आया, आप सोचते हो न्यूज़ में सबसे पहले वो स्केल बताता है, आपको क्या लगता है सात का अर्थक्वेक आया तो सात का चीज़ है, है ना, एक मैग्नीट्यूड, आपने बोला मैग्नीट्यूड है, एक्चुअल में अर्थ तो बहुत बड़ी है, अर्थक्वेक आया वो तो नेपाल से लेके पाकिस्तान से लेके पूरा 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 नॉर्थ के अंदर ही आता रहता है, दिल्ली से भी क्रॉस कर जाता है, ये कोई
चार पांच मीटर की दायरे में थोड़ी ना है, या 10-12 किलोमीटर की दायरे। तो सोचो अर्थ कितनी बड़ी है, 6400 किलोमीटर रेडियस है, और जो अर्थक्वेक आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी बड़ी होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके अंदर एनर्जी कितनी बड़ी होगी जिससे कि प्लेट हिलेंगी। तो एक्चुअल में ये जो टर्म है 7, 8, 4, वो एक्चुअली लॉग के ऊपर स्केल्स बना रखे हैं। लॉगरिथम्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, इंटेंसिटी बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि इतने फिगर में आम बंदे को समझाना बड़ा मुश्किल है कि कितनी इंटेंसिटी है। मान लो 1 1 1 2 2 3 4 5 6 करके बहुत बड़ी फिगर आएगी, तो क्या बोलेंगे टीवी वाले, क्या बोलोगे, आपको कैसे समझाऊंगा, क्या अर्थ कोई काया, स्केल क्या है। तो बेसिकली वो स्केल बनाया गया है, तो उसको बहुत बड़ी टर्म को छोटी बना दी गई है लॉग स्केल पे, और वो लॉगरिथम का स्केल 0 से 10 के बीच में चलता है। तो कितना आसान है समझना कि अगर स्केल 7 हो गया, लॉग का लॉग लग के आता है, स्केल 7 हो गया, हमें पता है 7 है बड़ा है, 4 है तो छोटा है, बस आम बंदे को इतना पता है। तो बहुत बड़ी वैल्यूज को ये छोटा कर देता है। इवन यही नहीं, आप जब साउंड के स्पीकर लेने जाते हो, स्पीकर उसमें लिखा होता है साउंड के इतने डेसिबल्स हैं, डेसिबल वर्ड यूज किया जाता है। हम फिजिक्स में साउंड के चैप्टर में भी कराते हैं कि साउंड की इंटेंसिटी बहुत बड़ी होती है स्पीकर की, मे बी थाउजेंड्स में होती है, थाउजेंड्स में, 10,000 में, इतनी इंटेंसिटी होती है, एनर्जी होती है। अब स्पीकर भेजने वाला क्या करेगा, साउंड के बारे में क्या बताएगा कि इसकी इंटेंसिटी 10 की पावर 4 है, इसकी इंटेंसिटी 10,015 है, फिर आपको कि ये क्या वैल्यू बताई जा रहा है। वो क्या करते हैं, इस पर लॉगरिथम स्केल लगा देते हैं। जब वो लॉग लगाते हैं तो बेसिकली वो स्केल छोटा हो जाता है। हम बोलते हैं कि 10 डेसिबल के स्पीकर हैं, 15 डेसिबल के स्पीकर हैं, देखो ना स्केल कितना छोटा हो गया। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर भी लॉग काम आता है। लेकिन अगर आप एक और एप्लीकेशन लॉग की मुझसे समझो, जो एक्चुअल एप्लीकेशन लॉग की है, जो मैथ्स वाले बताते हैं, मैथ्स वाले तो बहुत प्रॉपर्टीज करवाते हैं, लेकिन चलो प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, जैसे 6777 × 4848848 × 5050 5050, और मैं कहूँ बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर दो, 6 6 डिजिट के नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करने को बोल रहा हूँ, तो लॉग की प्रॉपर्टीज है मैथ्स में जो क्या करती हैं, उस मल्टीप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्स डिवीजन, बड़ी डिवीजन्स को प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर देती हैं। मतलब एक तो है बड़े बड़ी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, वो तो बहुत मुश्किल है। तो वो लॉग की प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर देती हैं, और प्लस माइनस करना तो बहुत ईजी है, तो प्लस माइनस से ही इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लॉग का ये भी फायदा है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देती है, बता देता हूँ, और डिवीजन की प्रॉब्लम को माइनस में कन्वर्ट। तो देखो इंस्टेड कि आपको कोई कहे डिवाइड छोड़ तू माइनस कर दे, बंदा माइनस प्रेफर करेगा, डिवाइड नहीं करेगा बड़ी वैल्यूज में, आंसर सेम आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी ये भी कर देती है। ठीक हो गया। और लॉग की प्रॉपर्टी बड़े बड़े एक्सपोनेंट्स को भी सॉल्व कर देती है। एक्सपोनेंट्स समझते हो, पावर्स, जैसे 5 रेज टू पावर 4242 कौन करेगा सॉल्व, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग टेबल से 1 30 सेकेंड 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ये क्या जबरदस्त है लॉग, इसका मतलब तो लॉग बस बड़ी कैलकुलेशन को छोटी कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर सकता है। मैं इतना ही बता सकता हूँ, इसके ऊपर नहीं बता सकता क्योंकि इसके ऊपर फिर मैथ्स का चैप्टर एक और खुल लेंगे। मतलब पढ़ने आए थे फिजिक्स, फिर खोल लिया डिफरेंशिएशन, फिर खोल लिया लॉग, लॉग के आगे फिर और कुछ खोल लिया, फिर पता लगा फिजिक्स तो पीछे रह गई। तो लॉग की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। हाँ, लॉग की दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो मैं लिखवाना चाहता हूँ, वो आप लिख लो, कभी शायद रास्ते में काम आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लिखी पड़ी रहेंगी, पर आपसे कोई लॉग के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी अगर मैं चलूँ, तो लॉग की प्रॉपर्टीज में पहली चीज़ है, जब भी आप लॉग का लॉग ऑफ कोई नंबर निकालते हैं, जैसे कि log 5, इसका अब कैलकुलेटर के अंदर भी लिखा होता है log of 5, log लिखा होता है हर जगह, तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कैलकुलेटर तो कैलकुलेट कर ही देगा, लेकिन मार्केट में लॉग टेबल्स भी आते हैं। वो लॉग टेबल्स क्या करते हैं, उसके अंदर ना वैल्यूज लिखी होती हैं, log 5 की, log 10 की, 0 से 100 तक बहुत वैल्यूज लिखी हुई हैं, आप किसी भी चीज़ का लॉग निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो log of 5 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। आपको ये इनकम्प्लीट क्यों है, log 5 दबाओ आंसर आएगा। log किसी भी नंबर का जब निकलता है तो log के आगे यहाँ पर एक बेस लगा होता है, बेस, वो बेस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी, पूछने वाले की मर्जी वो क्या बेस लगा के पूछेगा।
ठीक। अब ये बेस क्यों लगता है, ये ना एक लंबी स्टोरी है और, बट हाँ इतना बता सकता हूँ कि अगर कोई कहे लॉग फाइव की वैल्यू बताओ टू दी बेस टू, तो आंसर कुछ और आएगा, टू दी बेस फोर आंसर कुछ और आएगा, अगर आप कहो लॉग फाइव टू दी बेस सेवन तो आंसर कुछ और आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दो नंबर्स इंपॉर्टेंट है, जिसका लॉग निकालना है और फिर बेस क्या है। अब नॉर्मली जब बेस लिखा नहीं होता, मान लो बेस लिखा नहीं हुआ, तो अगर आपका बेस नहीं लिखा हुआ कहीं पर, बस लॉग ऑफ फाइव है, तो इसका मतलब ऐसा भी लिखा जा सकता है जब बेस ना लिखा हो तो उसका बाय डिफॉल्ट बेस लिया जाता है ई। मैथ में ई की फिक्स्ड वैल्यू है 2.71, जैसे पाई फिक्स्ड है ऐसे ई भी फिक्स्ड है। तो जब लॉग नहीं लिखा होता बाय डिफॉल्ट उसका बेस क्या लिया जाता है, ई। ई इज अ नंबर, ठीक, ये ई एक नंबर है। अब ऐसे लिख लें या फिर एल ऑफ एन लिख लें, जहां इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का बेस लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका बेस क्या होता है, ई, वो ई होता है, बात ही खत्म। तो अगर बेस नहीं लगाना तो नेचुरल लॉग लिख दो, तो बेस ई चलता है। नहीं, 2.71 होती है इसकी वैल्यू, चेक कर लेना कहीं पर भी, नेट पे गूगल पे सर्च करके देख लो। पाई फिक्स्ड है, ई भी फिक्स्ड है इसका, नहीं वो कुछ और है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये अब आगे की स्टोरी है, बेस क्यों चेंज होता है, बेस क्यों लगता है, ये ना मैथ्स के लोग ही सिखाते हैं। मैं आपको बस दो तीन प्रॉपर्टीज सिखाता हूँ, इफ नीडेड आपको शायद वो जरूरत पड़ जाए तो आप नोट कर लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉगरिथम्स की। पहली प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी। एज्यूमिंग मैंने बेस लिखा नहीं है, आप मन में जो मर्जी बेस सोच लें, अगर इसका 10 तो इसका भी 10, इसका भी 10, अगर इसका ई इसका ई तो इसका भी ई। ऐसा नहीं हो सकता इसका बेस तो 10 है इसका ई है तो इसका कोई और बेस हो जाएगा, नहीं फिर ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। प्रॉपर्टी तीनों बेस पे सेम काम करेगी, तो प्रॉपर्टी क्लियर है। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी है, कभी भी लॉग ऑफ ए इंटू बी होगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मान लो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, 2 3 3 3 3 इंटू 4 4 4 4 4, और सोचें मैं इसका अगर लॉग लगा दूं ए इंटू बी, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग ऑफ 2 3 3 3 3 प्लस लॉग ऑफ 4 4 4 4 4, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे होने से आपका मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, एडिशन में। आप लॉग की वैल्यू देखें, पुट करें, ऐड करें, मल्टीप्लीकेशन आंसर आ जाएगा। मतलब ये कैलकुलेट कर दें या ये कैलकुलेट कर दें, एक ही बात है। तो कोई ये क्यों नहीं कैलकुलेट, ये क्यों करेगा, ये करेगा, अपना क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन से किस में कन्वर्ट करेगा, एडिशन में। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है लॉग की, कि अगर आपके पास लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी कैलकुलेट करना हो, तो लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, मतलब डिवीजन की प्रॉब्लम को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो क्या करना है वो लंबी बातें हैं, तो वो नहीं हम करेंगे, बट बता रहा हूं मैं। और आखिरी प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ एक्स रेस टू पावर एन कैन बी रिटन एज एन इन टू लॉग ऑफ एक्स, एक ही बात है। मतलब अगर मेरे को 2 रेस टू पावर 2000 गिवन है, तो मैं 2000 इन टू लॉग ऑफ 2 कर दूंगा, तो ये ज्यादा आसान होगा क्योंकि लॉग एक्स की वैल्यू ढूंढनी आसान है, एन से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा तो इजी हो जाएगा। एक्सपोनेंट को सॉल्व करना भी बहुत इजी है इससे, और इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि मैं वापस आना चाहता हूँ किस पे, डिफरेंशिएशन पे भाई, उसके बाद मुझे फिक्स पे जाना है। ठीक, अब मैं वापस जा रहा हूँ। अब इसमें आप सोचेंगे कि लॉग की जरूरत क्या है, गाड़ी चलानी है, लॉग कहाँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ रास्ते पे, लॉग कहाँ से आते हैं यार, मैं तो कभी देखा नहीं लॉग। मतलब ऐसे क्या सपने आते हैं फिजिक्स वालों को, लॉग आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ऐसा होता है कि या साइन कहाँ से आ गया या कॉस कहाँ से आ गया, इसका कैलकुलस से क्या लेना देना है। देखो मैं पॉइंट को समझो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाया था, एक कार चल रही है अकॉर्डिंग टू रिलेशन टी स्क्वायर प्लस टी, याद है क्वेश्चन करवाया था, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया। अब मेरी कार चल रही है या मेरा कोई भी सपोज कोई बॉडी चल रही है, कि इंसेक्ट उड़ रहा है ऐसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसे, ये जो ग्राफ है ये रहा ग्राफ ऐसे, शायद किसी ने सुना हो ये साइन थीटा का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, मैथ्स के लोग कराएंगे भी आपको
साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, कभी वैल्यू बढ़ाता है, कभी कम करता है, कभी बढ़ाता है। अब देखो गाड़ी ऐसे भी चल सकती है ना, पहाड़ के ऊपर या रास्ते पे ऐसे चल रही है, तो साइन एक्स को फॉलो कर रही है, तो इंस्टेंट, तो यानी कि मेरी जो गाड़ी है वो डिस्प्लेसमेंट फॉलो कर रही है अकॉर्डिंग टू रिलेशन साइन एक्स। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करूंगा। अब गाड़ी कैसे चल रही है वो तो मैं ही बताऊंगा ना यार, फिजिक्स का बंदा पूछने वाला बताएगा, वो क्यों हमेशा टी स्क्वायर प्लस टी बताएगा, उसकी मर्जी। वो कहता है जी लॉग की तरह चल रही है, लॉग का जो भी ग्राफ बनता है वैसे चल रही है, साइन का जो ग्राफ बनता है ऐसे चल रही है, कॉस का ग्राफ ऐसे चल रही है, तुम्हारा काम है उसको डिफ्रेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज निकालना। ठीक, तो इस तरीके से ये मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन चलता है। फिलहाल वापस चलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, मेरे को इतना ही चाहिए। लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन भी बहुत रेयर यूज होती है, वैसे मैं आपको बता दूं बहुत कम यूज होती है, बट फिर भी लिख लो, लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है 1/x। क्या सही फॉर्मूला है 1/x? कुछ करना ही नहीं है। ये देखो लॉग के आगे जो भी टर्म है उसको उठा के यहां रख देना 1 के नीचे, लेकिन एक चीज पीछा नहीं छोड़ेगी, हो गया dx/dx, वो जो एंड में वो जो एम ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं वो नहीं छोड़ेगा। कैसे? लॉग के आगे जो भी टर्म है वो 1 के नीचे आएगी, इनटू d/dx ऑफ, वो यहां भी आएगी, ये जो टर्म है इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, वो अलग बात है कि dx/dx तो 1 होता है। फॉर्मूला नोट कर ले, बट ये करना पड़ेगा। देखो जी फिजिक्स है तो ये करना पड़ेगा, मन में बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 1 ना आया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं दिखाता हूं अभी नहीं आएगा, जैसे एग्जाम्पल है d/dx ऑफ लॉग ऑफ 2x। बोलो लॉग के आगे क्या टर्म है? 2x। आंसर इज 1/2x इंटू d/dx ऑफ 2x। यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, सही है यहां तक? तो यहां से 1/2x इंटू 2 बाहर आ गया, dx/dx 1 है, आंसर इज 1/x। आंसर ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? और मैंने लॉग का कोई बेस लिखा नहीं है नंबर, तो बाय डिफॉल्ट जब बेस ना गिवन हो तो नेचुरल लॉग है उसका बेस e है, पर हमें बेस चाहिए ही नहीं, अभी हम कौन सा मैथ स्कूल के बैठ रहे हैं, लॉग के डिफरेंशिएशन सीख लें 1/x है। ठीक है, यूज कम होती है तो इतनी टेंस होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, पर फॉर्मूला लिख लो। क्वेश्चन है d/dx ऑफ लॉग ऑफ 2x+1 क्या करना है, जो भी लॉग के आगे टर्म है ठीक है वो 1 के नीचे आएगी, कितनी? 2x+1 ठीक है, इनटू d/dx ऑफ, वो टर्म यहां पर भी आएगी 2x+1, तो 2x+1 2x+1 2x+1, तो यहां पे 1/2x+1 इनटू d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d/dx ऑफ सेकेंड टर्म, ये लो, तो 1/2x+1 इंटू
टू डी एक्स बाई डी एक्स वन प्लस जीरो आंसर, योर आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, कर लिया सबने। तो ये प्रॉब्लम एक बार नोट करें, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस लॉग एक्स, यू बाय वी का फॉर्मूला। देखो इसमें क्या करेंगे, इसको मानेंगे u, इसको मानते हैं v, तो स्टार्ट विद डिनोमिनेटर 1 प्लस log of x इनटू d by dx ऑफ न्यूमिनेटर log x माइनस log of x d by dx ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस log of x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो यहां पर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, सीधा 1 बाय एक्स पुट कर दूं, माइनस लॉग एक्स इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 क्या है 0, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या है 1 बाय एक्स, डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, सिंपलीफिकेशन आपके हाथ में है, जितना करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस क्वेश्चन को करो जो देने जा रहा हूं, डी बाय डी एक्स रूट एक्स इंटू साइन एक्स,
एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है यू, और सेकेंड टर्म क्या है वी, तो फिर यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब इसमें रूट एक्स साइन एक्स की क्या है कॉस एक्स, हो गया डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स इंटू रूट एक्स की क्या है हाफ, एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस वन आंसर, एक्स की पावर हाफ है ना, तो क्या होगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है यहां तो क्या करना है? ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किया तो इसमें इसको u और इसको v, तो 1 प्लस साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस लॉग x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसमें 1 प्लस साइन एक्स इंटू, देखो इसकी डिफ्रेंसिएशन आपको क्या देगी 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 इज 0 और डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज माइनस नहीं डी जस्ट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बस छोड़ दो, ठीक है, सिंपलीफाई होना ही नहीं इसे, पर पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। देखो या तो u अपॉन v या u इंटू v या वैसे log का फंक्शन है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कोई डाउट इसमें? इन क्वेश्चंस को करो।
ठीक है ना। हाँ ऐसे देखो, तो एक एक करके चेक करते हैं। देखो सबसे पहले इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं, तो 1 प्लस लॉग ऑफ x इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स होल आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है, देख लो पढ़िए देख लो, ठीक है सब क्लियर है, ऐसे किया था ठीक। नेक्स्ट है फिर देखो, नेक्स्ट है इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, 1 माइनस रूट एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस रूट एक्स इसकी डिफ्रेंसिएशन में हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस रूट एक्स इन टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 इज 0 और इसकी डिफ्रेंसिएशन सेम हाफ इन टू एक्स की पावर माइनस हाफ। तो ये स्टेप भी सबको क्लियर है ठीक है ना, डिफरेंस फर्स्ट टर्म 0 और रूट एक्स की पता है हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ इज आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। और लास्ट किसने यू अपॉन वी लगाया, क्या यू बाई वी कर सकते हो, 7 को यू मान लो और डिनोमिनेटर को वी मान लो, एक चलेगा सही आंसर है, पर उससे ज्यादा आसान है आप 7 को बाहर ही निकाल लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर क्या हो गया माइनस टू, 7 इंटू माइनस टू इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री इज द आंसर, डन। अगर आप यू अपॉन वी करते तब भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तब भी आंसर सेम था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं आपको, असाइनमेंट नंबर 1 ठीक है, सब्जेक्टिव शीट नंबर 1, इसके अंदर 11 क्वेश्चंस हैं, सब पार्ट्स भी हैं, कुल मिला के कम से कम 15-20 क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे हैं ज़्यादा नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, अपनी कोई भी लूज शीट ले लेनी है या रजिस्टर ले लो, लूज शीट ले लोगे ज़्यादा बेटर है। तो आपने अगली बार इन क्वेश्चन को ना अच्छे से स्टेप्स करके यहाँ पर पहले सबमिट करना है क्लास से पहले, एटलीस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि टेस्ट से पहले या आगे चलने से पहले कहीं स्टेप्स में गलती तो नहीं हो रही, बहुत बड़े नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई करके आएंगे। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 1, और जो ऑनलाइन है वो प्लीज़ व्हाट्सएप मंगवा लें, मैं इससे मैं व्हाट्सएप कर दूंगा PDF कॉपी। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आपने करके आने हैं, इसके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लास में डिस्कस करूँगा।